आपने कभी सोचा है कि आप कभी कोई चीज़ बाय करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? तो चीज़ बाय करने के लिए या कोई भी आप चीज़ ख़रीदते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई या तो ज़रूरत होती है या तो आपकी आपकी चाहत होती है। सो इस पर हम मज़ीद पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम किस तरह से बिज़नेस में यूज़र्स के बाइंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और किस तरह से एक यूज़र एक चीज़ को पसंद करता है, उसको बाय करता है, उसके बाद उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारी SEO कहाँ पर रोल प्ले करेगी, क्योंकि अब डिजिटल का वक्त है और लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो ऑनलाइन सर्च भी करते हैं, और ये जो प्रोसेस है जो आम तौर पे एक टिपिकल फिज़िकल एनवायरनमेंट में या एक आम स्टोर में जाके जिस तरह से लोग बात करते हैं या बाय करते हैं, उस तरह से बिहेवियर ऑनलाइन भी लोगों का होता है। उसके लिए हमें ये लॉयल्टी लूप समझना बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी का मतलब आप ले सकते हैं कि आपसे कौन कितना वफादार है या आपका कितना पसंदीदा कस्टमर है। अक्सर लोग अक्सर ब्रांड्स को पसंद करते हैं और वो बार बार उनसे ख़रीदना चाहते हैं, और क्योंकि उनको क्वालिटी पसंद है, किसी को प्राइस पसंद है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड से एसोसिएट हो जाते हैं और वो बार बार उनसे ख़रीदते हैं। सो इस लॉयल्टी लूप को अगर हम इस लॉयल्टी को अगर हम दिखाना चाहें विजुअली, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपका एक बिहेवियर चलता है। सो लेट मी एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ब्रांड को नहीं जानते या आपने एक ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो आप फर्स्ट टाइम लेना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहला स्टेज नंबर वन क्या होगी कि आप सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि आपको एक ज़रूरत पेश आई है। अब आप एक्टिवली इवेल्यूएट करेंगे कि आपको वो चीज़ चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी। आमतौर पे आप बाज़ार जाएंगे, आप मार्केट जाएंगे, आप दोस्तों से पूछेंगे, आप फैमिली में पूछेंगे कि ये कहाँ से मिलेगी या कैसे मिलेगी या कौन सी अच्छी है या कहाँ से अच्छी है। ये सारी चीज़ें आप सवाल जब पूछते हैं तो इसको एक्टिव इवेल्यूएशन कहते हैं। डिजिटल में ये एक्टिव इवेल्यूएशन कैसे होती है? डिजिटल में आप गूगल पे जाके रिसर्च करते हैं, आप एक सवाल लिखेंगे, आप उसका जवाब ढूंढेंगे, फिर आप उससे मज़ीद सवाल लिखेंगे, उनके जवाब ढूंढेंगे, करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे जब आपको ये समझ आ जाएगी कि जो आपको चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, कौन कौन कैसे कैसे उसको बेच रहा है और आपको वो कैसे चाहिए। ये वेरी कर सकता है कि किस प्रोडक्ट में की बात हो रही है, लेकिन जनरली ये एक्टिव इवेल्यूएशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक बिज़नेस हैं, क्योंकि इस एक्टिव इवेल्यूएशन में यूज़र ने डिसाइड करना है कि उसने कहाँ से वो चीज़ लेनी है। हमारा ये गोल है कि हम SEO में देखें कि कैसे होता है। सो अगर ये एक्टिव इवेल्यूएशन प्रोसेस के बाद एक वो लम्हा आता है जहाँ पर क्लाइंट, आपके क्लाइंट को ये लगता है कि मुझे यहाँ पर ये बाय करनी है, वो उसको मोमेंट ऑफ परचेज कहते हैं। वो लम्हा जब आपके दिमाग में ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि हाँ मुझे ये लेना है, क्योंकि इससे पहले आप सोच रहे होते हैं, लेकिन वो एक लम्हे में आप फिर डिसाइड करते हैं कि अब लेना है, तो फिर उसके बाद आप पेमेंट की बात करते हैं या आप उसको बाय करने की शॉपिंग कार्ट में डालते हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पर खड़े हैं या कहाँ से जाके बाइंग कर रहे हैं। जब आप उसको चीज़ को ख़रीद लेते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उसके बाद एक और प्रोसेस चलता है जिसको पोस्ट परचेज बिहेवियर बोलते हैं। ये पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली हर ब्रांड जब आपको चीज़ सेल करता है उसके साथ आपको या तो वारंटी देता है या तो आपको सपोर्ट देता है या आपके और भी तरीके होते हैं कि आप उनसे बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगी या आपके वो चीज़ उसमें नुक्स था या उसको वो काम नहीं कर रही जैसे उसको करना था, आप जाते हैं जाके उनसे बात करते हैं, और उनसे बात करने के बाद आपको ये पता चलता है कि या तो वो आपकी बात सुन रहे हैं या तो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसको पोस्ट परचेज बिहेवियर कहते हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट बिहेवियर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ब्रांड अगर अपनी ऑडियंस बनाना चाहता है तो बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर कस्टमर्स को विन कर लेते हैं, और जो यहाँ कस्टमर्स को विन कर लेता है तो वो फॉर एवर उनको विन कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप उनको मिस कर दें, अगर यहाँ पर आप उनको लूज़ कर दें, उनको सब प्रॉपर सपोर्ट ना दें, तो वो क्या करेंगे, उनको वो दोबारा से आपके पास नहीं आएंगे। तो बेसिकली ये लॉयल्टी लूप यही एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही वो पोस्ट परचेज बिहेवियर या आफ्टर सेल बिहेवियर, वो उसमें ये यूज़र डिसाइड करता है कि दोबारा अगर उसको वैसी प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसको दोबारा वही प्रोडक्ट चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा। अगर वो आपसे खुश है और आपकी क्वालिटी, आपकी सपोर्ट सर्विसेज, आपका सब कुछ उसको पसंद है, तो बजाय इसके कि वो दोबारा से वो सर्च करे,
वो आपके पास ही दोबारा आएगा और ये लूप क्रिएट हो जाएगा। ये लूप यानी कि जो चक्कर है, इसमें यूज़र दोबारा से नहीं ढूंढेगा कि हाँ मुझे अब जूते चाहिए तो मैं हर बार एक नई कंपनी ढूंढूं, उनको एवेल्युएट करूं, उनको टेस्ट करूं और फिर डिसाइड करूं कि हाँ इनके जूते अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर उनको एक ब्रांड के जूते पसंद आ गए हैं तो दोबारा जब उनको जूते चाहिए होंगे वो सीधा उसी ब्रांड के पास जाएंगे, उसको बाय करेंगे और उसके बाय करके यूज़ करेंगे। और इसी तरह से ये हर बिज़नेस के लिए वैलिड है कि वो ये लूप को अंडरस्टैंड करे। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि SEO या डिजिटल मार्केटिंग में ये लूप कैसे इफ़ेक्टिव है या इस लूप में हम कैसे अपनी इनपुट डाल सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग की बात भी हो सकती है इसमें सिर्फ सर्च की बात भी हो सकती है। सो हमें जो फोकस करना है वो करना है स्टेज नंबर 1 पे, वो स्टेज जब यूज़र एक्टिवली आपके ब्रांड को इवेल्युएट कर रहा है। क्योंकि डिजिटल में इवेल्युएशन का मतलब ये है कि वो आपको सर्च कर रहा है। वो क्या सर्च कर रहा है आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर उसको जूते चाहिए तो पहले ये लिख सकता है कि बेस्ट शूज़ इन लाहौर या बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान, कि कौन से ऐसे जूते हैं जो बेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर या जिस शहर में भी वो रहते हैं उस शहर के अंदर कौन से जूते बेहतरीन हैं। अब अगर आप जूते बेच रहे हैं तो ये कस्टमर आपके लिए रेलिवेंट कस्टमर है और आपको चाहिए कि इस क्वेरी के अगेंस्ट आप रैंक करें, क्योंकि अगर आप उसको हेल्प नहीं करेंगे, इस बात का जवाब नहीं देंगे, जो देगा वो उस सेल को विन कर लेगा। इसी तरह से अगर आप कपड़ों की बात करें या आप खाने की बात करें या आप रेस्टोरेंट की बात करें या किसी भी तरह से और भी बिज़नेस की बात करें, तो लोग ये वो सवाल पूछते हैं जो एक्टिवली वैल्यूएशन में फॉल करते हैं कि किस ब्रांड को डिस्कस करना है। आप इसको हर एग्जांपल में डालते जाएं और अपने साथ उसको देखते जाएं, लेकिन ये एक्टिव वैल्यूएशन का प्रोसेस सर्च के तहत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सर्च, हम जैसे अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है और गूगल में बार बार ये सर्चेज होती हैं। सो अगर आप गूगल और बिंग, ये दो बड़े सर्च इंजन को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी इसके मुताबिक करें और अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर लोग क्या क्या सर्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर या इन क्यूरीज के ऊपर अपना कंटेंट रैंक करवा सकते हैं और वो रैंक करवा कर आप उस एक्टिव वैल्यूएशन का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप उस एक्टिव वैल्यूएशन का हिस्सा बन जाएंगे, जब आपकी वेबसाइट पे वो आ जाएंगे, वो फिर डिसाइड करेंगे कि आपके प्रोडक्ट इस काबिल है कि उसको बाय किया जाए या आपके प्रोडक्ट इस काबिल है कि उसको यूटिलाइज करके दोबारा से उसको लोगों तक भी बात की जाए। वो मोमेंट ऑफ परचेज की बात तब होगी जब वो एक्टिव वैल्यूएशन में आप उसको विन करेंगे। सो अगर हमें ये लूप पूरा करना है, हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जो बार बार हमसे बाय करें, तो स्टेज नंबर 1 ये है कि हम उनको पहले अट्रैक्ट करें। वो जो पहली स्टेज है एक्टिव वैल्यूएशन में, उसमें सर्च इंजन एक बड़ा रोल प्ले करती है और जिन ब्रांड्स को ये समझ आ गई है वो इसको यूज़ करते हैं और वो इसको यूज़ करते हुए ट्रैफिक इंक्रीज़ करते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक का मतलब ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा कस्टमर का मतलब ज़्यादा सेल्स और बिज़नेस की ग्रोथ है।